अच्छा शोहर और बीवी, जाहिर है हमने अपने वालिद को देखा, वालदा को देखा, यानी कि इस दुनिया के जितने भी शोहर हैं, जितनी भी बीवियां हैं, इनके आपस में ख्यालात नहीं मिलते, ख्यालात नहीं मिलते, सिर्फ नुक्ते मिलते हैं शोहर में और बीवी में, दोनों में तीन तीन होते हैं। अच्छा इन तीनों नुक्तों में हर एक नुक्ते की इतनी वैल्यू होती है कि अगर वो नुक्ता देखें, मिसाल के तौर पर एक बीवी ने अपने शोहर को खत लिखा है, खत की लाइनें कुछ इस तरह हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपने कई दिनों से प्यार भरा खत नहीं लिखा, मेरी सहेली सलमा को नौकरी से निकाल दिया, हमारी गाय ने बछड़ा दिया, अंकल जी ने सिगरेट पीनी शुरू कर दी, मैंने बहुत खत लिखे पर आप नहीं आए, कबूतर के बच्चे बिल्ली खा गई, घी घराते हुए लेते आना, एक खूबसूरत औरत मेरी सहेली बन गई, सुरैया भोपाल इस वक्त टीवी पर डांस कर रही है, हमारी मुर्गी बेच दी है, तुम्हारी मतलब करती है, पड़ोसा मुझे तंग करती है, जमीन पर सरसों उगाइए, चिच्ची के सर पर फौड़ा हो गया, मेरे पाँव में चोट लगी, आपकी छुट्टी को हर वक्त तरसती हूँ, भैया भाभी से मिलकर आइएगा। ये खत उसने लिख तो दिया लेकिन गलती से गलत जगह पे एक नुक्ता यानी फुल स्टॉप लगा दिया, जिसकी वजह से खत का मफहूम चेंज हो गया, मियां बीवी का रिश्ता बदल गया, यही खत एक गलत फुल स्टॉप के साथ क्या शक्ल देगा सुने, अस्सलाम वालेकुम, आपने कई दिनों से प्यार भरा खत नहीं लिखा, मेरी सहेली सलमा को फुल स्टॉप, नौकरी से निकाल दिया हमारी गाय ने, बछड़ा दी अंकल जी ने, सिगरेट पीनी शुरू कर दी, मैंने बहुत खत लिखे पर आप नहीं आए, कबूतर के बच्चे बिल्ली खा गए, घी घर आते भी लेते आने, खूबसूरत औरत मेरी सहेली बन गई, सुरैया भोपाली इस वक्त टीवी पर डांस कर रही है, हमारी मुर्गी बेच दी है, तुम्हारी माँ तुम्हें याद करती है, पड़ोसन मुझे तंग करती है, जमीन पर सरसों उगाई है, चच्ची के सर पे फौड़ा हो गया, मेरे पाँव में चोट लगी, आपकी छुट्टी को हर वक्त रस्ती हूँ, भैया भाभी से मिलकर आइए।